तो फ्रेंड्स यार आपके भी घर में कोई ना कोई ऐसा एलईडी जरूर होगा जो कि पूरी तरह से खराब हो चुका होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इन एलईडी बल्ब्स को बिना सोल्डरिंग आयरन के रिपेयर करके दिखाने वाला हूं। तो पहले फ्रेंड्स मैं आपको चेक करा देता हूं कि ये बल्ब सही में खराब है। तो ये मैं सीरीज बोर्ड ले लिया और इसे ऑन करते ही फ्रेंड्स देख सकते हो ये आप अच्छे से ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है ये। इसी तरह से मैं दूसरे वाले एलईडी को भी चेक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये भी ग्लो नहीं कर रहा। तो इन दोनों एलईडी में से मैं फ्रेंड्स किसी एक को ले लूंगा, उसके बाद इसे रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसे बिना सोल्डरिंग आयरन के रिपेयर करूंगा, तो फ्रेंड्स यार इसे रिपेयर करने के लिए मैं इस पुराने टैबलेट्स का और कोलगेट का यूज करके इसे रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो जरूरी नहीं आपके पास यही टैबलेट्स हो और जरूरी नहीं आपके पास यही टूथपेस्ट हो, आप कोई भी टैबलेट्स ले सकते हो और कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स इन दोनों में से मैं किसी भी एक एलईडी को ले लेता हूँ और मैं इसे पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इसे आपको होल्डर पे लगा लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसके अंदर जो SMD LEDs है इन्हें एक एक करके चेक करना है। तो पहले मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके हर चीज। चेक करने का काफी आसान तरीका फ्रेंड्स, आपको इसे चेक करने के लिए एक चिमटी ले लेनी है और एक एक एलईडी को जो है शॉर्ट करके आपको देखना है। और फ्रेंड्स आप यहाँ गौर कीजिए, मैं यहाँ चिमटी जो है कवर वाली यूज कर रहा हूँ। आप फ्रेंड्स इस टाइप की चिमटी का यूज बिल्कुल भी मत करना, इससे आपको बहुत तेज शॉक लग सकता है। और अगर आपके पास चिमटी नहीं है फ्रेंड्स तो आप इसके बजाय किसी वायर के टुकड़े को भी दोनों साइड से छील करके इसे शॉर्ट करके आप चेक कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं यहाँ एक एक एलईडी को चेक कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको हर एक एलईडी को चेक करना है। इसमें से फ्रेंड्स कोई ना कोई एक एलईडी जो है शॉर्ट होगा, जिसकी वजह से पूरी एलईडी जो है नहीं ग्लो कर रही। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स जो एलईडी हमारी खराब थी वो एलईडी मिल चुकी है, उसे शॉर्ट करते ही फ्रेंड्स पूरी एलईडी जो है ग्लो होने लगी है। और फ्रेंड्स आपको कैमरा में थोड़ा ब्लिंकिंग दिख रहा होगा, फ्रेंड्स वो एलईडी ब्लिंक नहीं कर रही, वो आपको कैमरा में ऐसा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से आप देख सकते हो कितने अच्छे से सारी एलईडी जो है ग्लो कर रही है। तो मैं इसके ऊपर से डिफ्यूजर रख के आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, सारी एलईडी जो है बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रही, कोई ब्लिंकिंग इसमें नहीं है। देख सकते हो फ्रेंड्स कितने अच्छे से ग्लो करी। अब फ्रेंड्स जो एलईडी खराब है उसे हमें मार्कर की मदद से अच्छे से मार्क कर लेना है, ताकि फ्रेंड्स ये हमें पता चल सके यही एलईडी खराब है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें बल्ब को जो है होल्डर में से निकाल लेना है और इसके अंदर से जो दो वायर बाहर आ रहे हैं फ्रेंड्स जो MCPCB में लगे हुए हैं उन दोनों को शॉर्ट कर देना, ताकि फ्रेंड्स हमें इसके अंदर जो कैपेसिटर चार्ज होंगे उनसे हमें शॉक लगने का खतरा ना रहे। इसके बाद फ्रेंड्स MCPCB में जो भी एलईडी खराब थी उसे हमें हटाना है। तो सिंपली फ्रेंड्स मैं इस टाइप का टेस्टर का यूज कर रहा हूँ, किसी भी चाकू वगैरह से आप इसे हटा सकते हो। इसे थोड़ा सा प्रेस करते ही फ्रेंड्स ये जो है यहाँ से बहुत इजीली निकल जाएगा, देख सकते हो आप। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने आराम से जो है एलईडी बाहर निकल गई है, बहुत ही इजीली फ्रेंड्स आप इसे घर पे रिपेयर कर सकते हो। अब फ्रेंड्स आपको जो है इस एलईडी को सीधा खड़ा रखना है, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं इस होल्डर में वापस से इसे लगा दे रहा हूँ ताकि ये सीधा खड़ा रहे। और फ्रेंड्स मैं बता दूं फिलहाल इस बोर्ड में लाइन नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि मैं इस टैबलेट की मदद से एलईडी बल्ब को रिपेयर करने वाला हूं, तो पहले मैं फ्रेंड्स इस टैबलेट की खासियत आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं मल्टीमीटर ले लिया और मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें कहीं भी पीछे के साइड में सेट टच करोगे दोनों टर्मिनल्स को फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें जो है कंटिन्यूटी बता रही है, मतलब कि फ्रेंड्स इसके पीछे वाला जो पर्दा टाइप का बना हुआ है ये एल्यूमिनियम फॉइल से बना हुआ है फ्रेंड्स, जिसमें कि करंट बहुत ही अच्छे से फ्लो होता है। तो यही कारण है फ्रेंड्स मेरा इस पुराने टैबलेट्स के रैपर को लेने का। तो इसके जगह फ्रेंड्स आपके घर में अगर एल्यूमिनियम फॉइल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, इजीली फ्रेंड्स ये हर घर में अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने इस टैबलेट को ही चुना है। तो फ्रेंड्स यार आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास और भी इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंच सके। और फ्रेंड्स मैं बता दूं इस टाइप के वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत भी लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ छोटा सा एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा ले लिया और इसे फ्रेंड्स मैं कट करके जो है SMD LED के साइज का निकाल लूंगा। तो मैं इसे अच्छे से कट कर लेता हूं और फ्रेंड्स मैं इसे SMD LED के साइज का ही कट करूंगा। तो फ्रेंड्स यार मैं यहाँ फॉइल को जो है LED के साइज का कट कर लिया, उसके बाद फ्रेंड्स मैं LED को वापस ले लेता हूं और थोड़ा सा आपको जूम करके मैं दिखाता हूं, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें फॉइल को जो है वापस से लेना है और जो फ्रेंड्स हमने जो LED को उखाड़ा था उसके जगह पर फ्रेंड्स इस फॉइल को जो है कुछ इस टाइप से सेट करके रखना है, उससे पहले स्विच को आपको ऑफ कर लेना है। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी जो है ये फॉइल काफी बड़ा है, तो मैं इसे फिर से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि फ्रेंड्स ये बिल्कुल LED के साइज में फिट हो सके। तो सिंपली मैं इसे कैंची की मदद से कट कर लिया और ये अब काफी छोटा हो चुका है फ्रेंड्स, तो मैं इसे चिमटी की मदद से पकड़ करके LED के ऊपर जो है वापस से इस टाइप से रख दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स ये फॉइल जो है यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा, ये LED के हिलते ही इधर उधर जा सकता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं PVC टेप में से थोड़ा सा टुकड़ा कट कर लिया हूं और इसे फ्रेंड्स मैं फॉइल के ऊपर जो है अच्छे से लगा के दबा दूंगा, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आप LED बल्ब को कितना भी इधर उधर हिला लीजिए उससे फ्रेंड्स इस फॉइल पेपर को जो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने जगह पे जो फिक्स रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब LED बल्ब ग्लो करेगी तो इसकी MCPCB जो है ये पूरी तरह से हीट होगी, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये जो PVC टेप है ये गर्म होकर यहाँ से छूट जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स आप यहाँ पे पेपर टेप का यूज करना, बहुत जगह पे उसे मास्किंग टेप भी कहते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये जो LED है हमारा बिल्कुल रिपेयर हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो अभी फ्रेंड्स वीडियो जो है खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि टूथपेस्ट का तो इसमें कुछ यूज ही नहीं हुआ,
इसका आप यूज कहाँ कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप एलईडी बल्ब को बहुत देर तक लगातार जलाते हो तो इसका एमसीपीसीबी जो है वो बहुत ज्यादा हीट होता है, जिसके लिए फ्रेंड्स यहाँ हीट सिंक भी दिया गया है ताकि ये फ्रेंड्स हीट को जो है मैनेज कर सके और आपका बल्ब खराब ना हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स एमसीपीसीबी से जो है हीट का ट्रांसफर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए फ्रेंड्स हम इसके बीच में जो है हीट सिंक पेस्ट का यूज करते हैं, मतलब कि एमसीपीसीबी और हीट सिंक के बीच में जो है हीट सिंक पेस्ट का यूज करते हैं। तो उसके जगह फ्रेंड्स आप यहाँ टूथपेस्ट का यूज कर सकते हो, ये भी काफी अच्छे से हीट का जो है ट्रांसफर कर सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कैसे आप किसी भी एलईडी बल्ब को जो है टूथपेस्ट और टैबलेट्स की मदद से आप घर पे बहुत इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस एलईडी बल्ब का डिफ्यूजर जो है वापस से लगा देता हूँ और मैं फिर से एक बार आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये ग्लो कर रहा है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स यार वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास और भी इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।